नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सौरभ देव। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत के बड़े भाई कंवर सेन गहलोत की गुरुवार की शाम हार्ट अटैक से निधन हो गया। गहलोत ने जोधपुर पहुंचकर अपने भाई के अंतिम दर्शन किए। सुबह 10 बजे अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से रवाना हुई। उनका पार्थिव शरीर यहाँ रामबाग स्वर्गाश्रम में अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शोक जताया। गहलोत ने बड़े भाई की अर्थी को कंधा दिया और परिजनों को ढांढस बंधाया। कंवर सेन गहलोत को कल शाम अपने निवास स्थान पर 8 बजे हार्ट अटैक आया। उन्होंने तत्काल बदवासिया पुलिस स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कंवर सेन गहलोत एक समाज सेवी के रूप में थे। उनके एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। उनका रामबाग पर अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ कंवर सेन के पुत्र राजेश ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस क्षण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भावुक नजर आए। सभी नेताओं ने गहलोत से मिल अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उपस्थित अंतिम यात्रा में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, बीडी कला, राबूलाल नागर आदि कई नेता मौजूद रहे। सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई कंवर सेन गहलोत के निधन पर शोक जताया है। सीएम राजे ने ट्विटर पर संवेदना व्यक्त कर कहा कि अशोक जी के बड़े भाई श्री कंवर सिंह गहलोत जी के निधन का समाचार सुनाहत हूँ। एक भाई को खोने का दर्द मैं व्यक्तिगत रूप से समझ सकती हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवारजनों को आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।